हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फहीम, वेलकम टू फहीम ब्लॉग। साथियों, अक्सर बकरी के ब्याने के बाद जो उसके छोटे बच्चे होते हैं, मेमने होते हैं, लोगों का सवाल ये रहता है कि हमें उन्हें पेट के कीड़ों की दवा कब और कितने समय में देनी चाहिए। देखिए, जब बकरी 15 से 20 दिन या 25 दिन की हो जाए ब्याने के बाद, तो बच्चों की डिवॉर्मिंग हमें 15 से 25 दिन या 1 मंथ के दरमियान बकरी की बच्चों की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब बकरी का बच्चा जो है दूध पिएगा तो उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और पेट में कीड़े या इन्फेक्शन या गंदगी होगी तो वो पेट के कीड़ों की जब आप दवा देंगे तो साफ़ सफाई हो जाएगी और बकरा या बकरी आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ हो जाएगा और दिन पर दिन वो पनपने लगेगा, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी बनने लगेगी। अब बात करते हैं बकरी की। बकरी की जब डिलीवरी हो जाती है तो बकरी को हमें, जो बड़ी बकरी होती है हमारी, ब्याने के बाद उसके कम से कम 1 महीने बाद डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। 1 महीने में क्यों बोल रहा हूँ कि बकरी जो उसका इम्यून सिस्टम है या उसका जो दूध प्रोडक्शन क्षमता है वो उस टाइम पे बने रहती है। अगर आप डिवॉर्मिंग जल्द से जल्द कर देंगे तो बकरी का जो दूध बनाने की कार्य क्षमता होती है वो ठप हो जाती है। तो 1 महीने के बाद ही बकरी की डिवॉर्मिंग करें। अगर कोई ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, मट्टी चाट रही है या मैंगन में किसी प्रकार का म्यूकस आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप जल्द से जल्द डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्याने के बाद बकरी को कम से कम 1 महीने बाद ही डिवॉर्मिंग करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें।